गोपी आ गई किस बहाने से, तो गोबर लेने के लिए। कहती मैया यशोदा मुझे गोबर चाहिए, गोबर दे, गोबर कुछ पैंचा में दे दे गोबर। यशोदा कहती तू भांग पी क्या है क्या? अरे गोबर का तो पहाड़ पड़ा है तुम्हें, मैं गोबर कहाँ से दे दूँ पैंचा खोचा में? तुम्हें जितना मर्जी ट्रक ले आओ, जेसीबी ले आओ, उठा करके ले जाओ, क्या कमी है गोबर की, जा जितना मर्जी ले ले। तो यशोदा ये गोपियाँ चली गई गोबर लाने, पर भगवान भी पीछे लगे कि कितना लेती है क्या लेती है। तो भगवान दौड़े दौड़े चले गए, तो देखते हैं कि गोपी गोबर उठा रही है, भगवान चुपचाप खड़े देख रहे हैं। भगवान कहते ज़्यादा लेने का नहीं, हिसाब किताब से लो उठाओ। अब गोपी तो उठा ली पूरा और कहती कन्हैया थोड़ा सा हाथ लगा दे गोबर में, बहुत भारी है। तो भगवान ने हाथ लगा दिया, पर भगवान कहते गोपी सुन, हम बिना मतलब का कुछ नहीं करते, हम यदि तुम्हारे गोबर को उठाओगे तो इसके बदले में हमको कमीशन क्या मिलेगा? गोपी कहती कमीशन में यही मिलेगा कि मैं माखन की गोला खिलाऊंगी। कहते हाँ ये ठीक है, उठा दिए। अब गोपी पहली बार भगवान का दर्शन की, क्योंकि लाखों भक्त हैं उस बीच में स्पेशली दर्शन मुश्किल। अब गोपी तो प्रसन्न हो गई, सोची कि चलो एक बार फिर दर्शन करो। देखिए दुनिया में सब कुछ का लोभी तो सब है, पर भक्ति भजन का जो लोभी है असली लोभी उसी को कहा जाता है। सब नकली लोभी हैं, इस लोभ में लाभ है, बाकी के लोभ में हानि है। आज गोपियाँ फिर से दौड़ी आ गए और फिर कहती कन्हैया एक बार और उठा दे गोबर। भगवान कहते सुन गोपी, मैं बार बार गोबर उठाऊंगा और तुम कारी को बार बार माखन गोला खिलाओगी, तो तुम मैं कितने बार गोबर उठाया, तुम कितने माखन गोला खिलाओगे, इसका हिसाब किताब कौन करेगा? गोपी कहती सुन कन्हैया, जितने बार तू गोबर उठाएगा ना, तो उतने माखन का गोला मैं तुम्हारे माखन गोबर का टीका मैं तुम्हारे मुंह पे लगाती रहूँगी। अब बाद में उस गोबर के टीका को गिन करके और मैं तुम्हें माखन गोला खिला दूँगी। भगवान कहते हाँ ये ठीक रहा। इस तरह से होता गया, बार बार गोपी आती है, भगवान का दर्शन कर लेती है, उससे गोबर उठवा करके चली जाती है, चक्कर लगा रही 10-20 बार। अब भगवान के पूरे मुंह में गोबर के टीके लग गए। अब भगवान बड़े प्रसन्न दौड़े दौड़े आए मैया के पास, मैया देख मेरे मुंह में कितने गोबर के टीके, इतने हमको माखन के गोले मिलेंगे। अब मैया तो देख देख करके परेशान, हे भगवान ये कहाँ से गोबर गणेश बन के आ गए। मैया ने पूरे मुँह को साफ कर दिए। भगवान कहते मैया अरे तूने पूरे हिसाब किताब चौपट कर दी, अरे जितने टीके थे उतने माखन गोले मिलने वाले थे। मैया परेशान, इतने दूध दही के भंडार फिर भी माखन के लिए कैसे कैसे करते हैं लीला। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं कि गोपियों के मन मंदिर में निवास करने लगे। पर जब भगवान दूर चले जाते हैं गौचारण करते करते, आज गोपियाँ चिंतन में ही डूब जाती है, चिंतन से ही भगवान का दर्शन करने लगते हैं। सारी गोपियाँ झुंड बना कर के बैठी और कहते अरे गोपियों पता है जब हमारे प्रभु सुंदर तरीके से सज जाते हैं, मैया यशोदा सजा देती है, 16 श्रृंगार कर देती है, गले में वैजंती माला, कांधे पर पीताम्बर, मोर मुकुट और बांसुरी ले लेते हैं भगवान, तो भगवान इतने सुंदर लगते जैसे कोई विशाल रंग मंच पर कोई अभिनय करने के लिए नट प्रगट हो गया हो। और सारे ये ब्रजवासी भगवान की गीत कीर्ति का गान करते हुए जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो ऐसे दृश्य को देखने वाले ही हकीकत में आँख वाले हैं संसार में। विधाता ने उसी को आँख वाले आँख पाने का उसी को लाभ है जिन्होंने भगवान के इतने सुंदर रूप का दर्शन कर लिया। वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेनो रधर सुदया पूरयन गोप वृंद वृंदारण्यम शपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसी गोपियां गा रही है, वरहा पीड़म मोर मुकुट धारण किए पर वो कितने सुंदर लग रहे। एक ने कहा रे गोपियों ये बांसुरी भी धन्य है जिसको भगवान अपने होठ पर लगाते हैं।
मानो उसको तकिया दे रहे हैं भगवान सोने के लिए, अपना जोंगली चलाते हैं कोमल कोमल, तो उसे मानो उस बांसुरी के चरण दबा रहे, धन्य है बांसुरी का जीवन। और देखो तो सही, जितने वृक्षावली है झूम झूम करके प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि हमारे वंश में कोई तो हुआ जो भगवान की सेवा में लगा। एक ने कहा हमारे प्रभु जब बांसुरी बजाते हैं कि प्यारी सी मुरली की धुन तीनों लोक में गुंजायमान हो जाता है, स्वर्ग लोक की अप्सराएं गंधर्वियां जो नाच रही होती है ताल पर ताल दे करके उस इंद्र के दरबार में, उस अमरावती में जो नाच रही होती है, जब बांसुरी की मधुर धुन को सुनती है तो नाचना भूल करके झांक करके देखती है नीचे इस मृत लोक से कहां से इतनी सुंदर सुरीली आवाज आ रही है। परंतु जब उस बांसुरी बजाने वाले पर नजर जाती है तो उन अप्सराओं की शुद्ध बुद्ध खो जाती है और उसके जो केस में गुथे हुए पुष्प रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प है वो टूट टूट करके गिरने लगता है। मानो उस बहाने वो अप्सराएं, वो परियां, वो गंधर्वियां अपने आप को इस बांसुरी वाले के चरणों में समर्पित कर रही है। इस तरह से एक गोपी कहते अरे गोपियों उनकी छोड़ हमारे वृंदावन के इन गौ बछड़े को तो देखो कि जब हमारे प्रभु बांसुरी बजाते हैं तो ये गौ माता ये घास चरना छोड़ करके कान को संभाल करके उस बांसुरी के धुन को सुनने लगती है और उस समय जब उस धुन को हृदय में हृदयंगम करती है तो इसके रोम रोम में पुलका उल्ली छा जाता है, रोमांचित हो जाती है ये गौ माता। एक ने कहा गौ की छोड़ इन बछड़ों की तो देख दशा कैसी होती है, जब ये दूध पी रहा होता है और प्यारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं और जब ये बांसुरी की धुन को सुनता है उस समय ये मुंह का दूध ना ये बछड़ा निगल पाता है ना उगल पाता है, इसकी ऐसी दशा होती है। एक ने कहा ये तो गौधन हमारे धन है पर इन वृंदावन के पक्षियों को तो देखो कि कोमल कोमल पत्तों की ओट में छिप करके निर्निमेष आँखों से बिना पलक झपकाए भगवान के सुंदर रूप को निहार रहे हैं, धन्य है ये। एक ने कहा इन मोर पक्षी को देखो हमारे प्रभु बांसुरी बजाते हैं ये ताल में ताल मिलाकर नाचने लगते भगवान के धुन पर नाच रहे हैं। एक पक्षी ने नाचते नाचते इतना प्रेम में पागल हो गया कि नाचते नाचते बेहोश हो गया, भगवान ने प्यार से उठा करके गोद में लिया, अपने सुकोमल कर कमलों से उसके शरीर को सहलाया और जब होश आया तो कहते प्यारे तूने मेरे लिए नाचते नाचते शुद्ध बुद्ध खो दिया तो आज से मैं तुम्हारे पंख को धारण कर मोर मुकुट वाला कहलाऊंगा, बोलिए मोर मुकुट वाले की। एक ने कहा इन पक्षियों को छोड़ देखिए बादल मेघ मंडल जब हमारे पर्वत वृंदावन के कड़ाके की धूप में जंगलों में जहाँ तहाँ चलते रहते हैं ये बादल ये छाया बन करके भगवान को छाता बन करके छाया प्रदान करते हैं और ये मंद मंद फुहारा करते हैं मानो इस बहाने अपने आप को समर्पित कर रहे होते हैं। एक ने कहा इस गोवर्धन नाथ को देखो, इस यमुना मैया को देखो, हमारे प्रभु की बांसुरी बजती है तो यमुना मैया का पानी जम जाता है स्थिर हो जाता है, ये भी सुनते सुनते अपने आप को अस्थिर कर लेती है, विभोर हो जाती है, कंपन बंद हो जाता है। इस गोवर्धन नाथ को देखो, इसे तो पर्वत कहना ही भूल है, ये तो भक्तों में श्रेष्ठ है। इनकी सेवा को तो देखो कि हरी हरी घास पत्तियाँ ये गौ के लिए सेवा में देती है, फल फूल हमारे ब्रजवासियों के लिए हमारे प्रभु के लिए दूध देती है मक्खन, और इसके बाद रहने के लिए ये वृक्षावली है छाया प्रदान करती है कंदरा देती है और पीने के लिए वो झरना का निर्मल शुद्ध स्वच्छ जल प्रदान करती है, ये गोवर्धन तो भक्तों में श्रेष्ठ है। आज सारी प्रकृति भगवान की सेवा में लग गई, सारी प्रकृति का गुणगान ये गोपियाँ कर रही है कि किस तरह से आज अपने आप को धन्य धन्य करते हुए भगवान की सेवा में लगी हुई है। ये बांसुरी वाले की बांसुरी का चमत्कार देखो, का सारी प्रकृति उसके दीवाने हो गए। एक बार एक वृक्ष के मन में हुआ मेरे पास भी तो कुछ फूल है, विधाता ने कुछ तो देने के लिए दिया है पर मेरे पास पैर ही नहीं है कि चल करके वहाँ तक जा करके सेवा में कुछ समर्पित करूं।
यदि काश मेरे पास पैर रहता तो मैं भी चल के अपना फूल चढ़ाता और अपने जीवन को धन्य कर लेता। पश्चाताप कर रहे हैं वो वृक्ष, पर उसी समय देखिए प्रभु की प्रेरणा होती है। एक हवा का झोंका चला और वो वृक्ष का पुष्प टूट करके यमुना मैया में गिर गया और यमुना जी की जो धारा थी वो पुष्प को बहाते 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 जहाँ पर बांसुरी वाले बांसुरी बजा रहे थे उसी जगह पे उसके चरणों तक पहुँचा दिए और सारे जंगल के वृक्षावली झूम झूम करके अपना भाव भक्ति प्रकट करके प्रसन्न हो गए। बोलिए बंसी वाले की जय। इस तरह से सारी प्रकृति के साथ सारी गोपियां भगवान के बांसुरी की धुन में तल्लीन हो जाती है, लवलीन हो जाती है और बांसुरी की धुन सुन सुन करके शुद्ध बुद्ध खो देती है। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी।